ओके गाइस, जो अभी चिपकली देख रहे हो ना, ये इतनी छोटी सी थी। जब भी हम लाइट ऑन करते हैं ना, तो ये यहाँ पे आके सारे मच्छर खाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद हम घर से निकलने वाले हैं, उसका रीज़न मैं बहुत जल्दी बताता हूँ। रश ने कुछ दिन पहले अपना एक मेकअप लुक बनाया था अपने चैनल पे, तो उसको अपने बाल भी कर्ल करने पड़े थे। जब उसने वॉश किया तो उसके बालों का ये हाल हो चुका है। हम दोनों ने कल इसको कॉम करने की कोशिश करी, बट इट वॉज सो डिफिकल्ट। तो हम इसको लेके जा रहे हैं सलोन इसको ठीक करवाने। तो हम सैलून पहुंच चुके हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले हाथ सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा दे दिया जाए। दूसरे हाथ में कैमरा है तो समझ जाना मैं कर चुका हूं दूसरे हाथ में भी। तो रश के बाल ठीक करवाना है यहां पे, लेकिन वो मेरे पीछे बड़ी मैं बाल कटवा लूँ, क्योंकि आप जानते हो जो उसने मेरा बाल काटे थे लॉकडाउन में, वो कैसा उसका आउटकम आया। तो हेयर कट हुआ पूरा और रश के बाल भी उन्होंने ठीक कर दिए। अब यहाँ से निकलने वाले हैं, मैं तो मास्क उठा के दिखाता हूँ बाल लग कैसे हैं। अगर आपको याद होगा रश ने कैसे बाल काटे थे और ये आज मैंने बाहर से कटवाए हैं, तो बताना मेरे को कितना अच्छा और या कितना बुरा डिफरेंस लग रहा है देखने में। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने नानी के घर, क्योंकि वहाँ पर हमारी मॉम वेट कर रही है, उनको भी पिक करना है, रश से कुछ सामान खरीदना है। तो मे बी वी माइट हैव अ पिज्ज़ा पार्टी ओवर देयर, तो लेट्स सी। तो आपने मेरी रोनी शक्ल देखी होगी अभी थोड़ी देर पहले, बहुत बुरा हाल था मेरे बालों का। और एक्चुअली इतनी मेहनत लग जाती है किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी एक लुक अचीव करने में, बहुत लोग नहीं जानते हैं। लोगों को लगता है कि बस एक पिक्चर ही तो है, थोड़ा बहुत मेकअप ही तो है, बट इट टेक्स अ लॉट। प्लीज़ सपोर्ट ऑल द आर्टिस्ट्स, यू नो, एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनको सपोर्ट करो। थैंक यू। पहुंच चुके हैं नाना जी घर, चलो अंदर चलें अब। हाँ जी, कैसे हो जी, कैसे हो? बाल खुश रखे, सुखी रखे, मेरे बहुत ही नवे। ये देख लो, इनके हमेशा ये काम है, घर पे भी फोन पे, यहाँ पर भी फोन पे, कभी कुछ और भी कर लिया करो। हाँ भाई, मास्टर शेफ क्या हो रहा है? पिज्जा की तैयारी। वहाँ पे कट रही है सब्जियाँ, यहाँ पे बन रही है सॉस। इसमें क्या क्या ऐड करोगे? इसमें सिर्फ सॉल्ट और अपनी रेड चिली। अवन लगा हुआ है प्री हीटिंग में। ओके, व्हाट्स कुकिंग? कितना लग गया? बहुत बढ़िया, मेरी बेटी ने बनाया, स्वाद लग गया, बहुत स्वाद। चलो जी, थैंक यू। मम्मी का रिव्यू बहुत अच्छा, मेरी सिनेमैटिक बनाने की कोशिश थी। बहुत बढ़िया लग गया? बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। मम्मी का हो गया बैकपैक, चलो चलें घर को। तो अभी बस घर पहुंचे हैं गुड़गांव से, क्योंकि मेरी नानी गुड़गांव में रहती हैं। रास्ते में इतना ट्रैफिक था, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि कोरोना की वजह से कहीं भी ट्रैफिक कम मिला, मतलब बिल्कुल पैक्ड जैसे पहले हुआ करता था प्री कोविड। चेंज करते हैं, आगे करते हैं, फिर देखते हैं। आते ही देखो क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम चेंज कर लो, चलो जल्दी। नानी जी घर में पिज्ज़ा जो जोश में पूरा तो खा लिया, अब ऐसा लग रहा पेट फटने को आया है। और जब से हम घर आए हैं ये देखो, तो चेंज के नाम पे सिर्फ पतलून चेंज करी गई है और चड्डी आ चुकी है ऊपर। चड्डी ऊपर आ गई मतलब निकर। आम को सैनिटाइज कर छोड़ा हुआ था, अब उसको धोएंगे थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे जी फ्रिज में। व्हाट इज हैपनिंग लेडीज? बोलो। पांच आएगा, पांच आएगा, आएगा, शाबाश, पांच पक्की गोटी का आंटी। इस लूडो की हिस्ट्री बताता हूँ। हमारे पहले एक हेल्पर हुआ करते थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने घर पे बनाई थी, क्योंकि हम लोगों को लूडो खेलने का शौक है। घर पे हमारे लूडो पड़ी भी है न्यू ब्रांड, लेकिन हम तब भी उसमें नहीं खेलेंगे क्योंकि हमको इसमें आ जाते हैं। इसकी हालत देखो, हमने टेप वेप लगा के इसको एकदम सेट किया हुआ है, तो बड़ा मजा आता है इसमें खेलने का, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है। जिन्होंने बनाई थी वो, उनका नाम था कक्कू भैया। कक्कू भैया इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। अभी भी हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम किसी एलआई में जब काम करते थे, हमारा शौक था ऐसे करने है, ये शैम्पेन के कॉर्क ओपनर से बनाने का। जो भी हमारे एक्स कलीग या हमारे पुराने फ्रेंड्स देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। बट इट्स सो क्यूट। मैंने दोनों एमेचर्स को खेलने का मौका पहले दिया, मैं थोड़ा सा हाथ साफ कर लो कि चैम्पियन से खेलने से पहले, क्योंकि मोस्टली गेम्स मैं ही जीतता हूँ यहाँ पर। दोनों की शक्लें देखो। हाँ भाई, सबसे नया एमेचर ये वाला, ये वाला अभी आपको हरा चुकी हूँ मैं दो तीन बार। दो तीन बार? और कितनी बार खुद हारे हो?
अच्छो 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 अरे चल झूठी मम्मा मैं जिसके कंधे में हाथ रख देता हूँ ना वही गेम जीतता है पता है आपको तो आज हाथ मैंने रख दिया यहाँ पर शाबाश ओके नॉर्मली हम वीकेंड को लूडो तो खेलते ही हैं साथ में जेंगा भी खेलते हैं तो देखते हैं कितनी लूडो सी गेम खेलते हैं उसके बाद क्या पता जेंगा भी खेल लें जेंगा में तो ये हमारा पुत्र चैंपियन है देख लो मम्मी मेरी 5 गोटियां काट चुकी है अभी तक के शुरू ही हुआ है गेम चलो कोई बात नहीं और कटवाओ मेरा हाथ तो पहले वहां जा चुका आपको पता ही है टैप ये विक्ट्री मैंने बोल दिया था जिस पे मैं हाथ रख दूं वो गेम जीत जाता है आपको क्या कहना है इस पे दफा हो जाए चलो देखते हैं ये कौन से गुल खिलाते हैं मैं तो हार गई चैंपियन फील्ड में उतर चुके हैं बहुत बार हार चुके हैं चैंपियन अभी देखा इसका रिएक्शन अब देखना गेम कैसे जीती जाती है सीखो कुछ आई होप ये देखो पहली बार में हम भी हारने वाले नहीं पहली बार में 6 देना चाहते हैं अब देखिए तरीके से अच्छे कम ऑन चलो एक तो आया गोटी तो खुली 6-6 होता है और एक एक होता है खुल गई लूडो ऐसी चीज है जिससे घर के बंटवारे हो जाते हैं और World War III हो जाती है और मैं हमेशा हारती हूँ लेकिन मैं हराता हूँ कोई बात नहीं ये हराता है और मैं से हारता ये लाल ये सच है ये झूठ नहीं है मैं सही बता रही हूँ मानो मेरी बात रेड कंटेनमेंट जोन है यहाँ से किसी को नहीं निकलने दूंगा मैं ये जो लूटी हुई बस्ती आपको दिखाई दे रही है ये छोड़ा हुआ गेम ये इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि हार चुके हैं बड़े लोग कैसा लग रहा है आपको दो बारी विजेता बनके ऑफ कोर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड दिस पर्सन फोकसिंग ऑन हिज फेस कैसा लग रहा है आपको हार के बड़ी बड़ी बातें हो रही थी मैं गेम जीता हुआ था समझे हाँ जीता हुआ मैंने 3-6 मारे 3 बार एंड में मतलब सारी बारियां कैंसिल ही होती गई तो एंड में फिर यही होता है चलो ना डोंट बी अ क्राई बेबी जो जीता वही सिकंदर तो तू तो है हमारा बंदर जो हारा वो बंदर तो हारा तो तू बंदर मैं छोटा बंदर अभी थोड़ी देर पहले एक चूहा आइडेंटिफाई हुआ है और वो उसके नीचे चला गया वो हमारे सिंक के नीचे की जगह है तो तभी हमने ये दरवाजा बंद करके उस चूहे को पूरा लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग गाइस ये अगला दिन है अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूं लेकिन आपको पता ही है जैसे कल मैं अपनी लूडो गेम हार गया था अब मानोगे नहीं सीरियसली मैं सपनों में आया मैं लूडो गेम हार गया और मैं जीत चुका था गेम इतना बुरा लगा मेरे को आप सोच सकते हो मुझे तो उठे थोड़ा सा टाइम हो गया है लेकिन इस गुगू को देखो इसको उठाना इतना मुश्किल है इतनी मुश्किल से उठी है चल जाएगा बच्चा फिर चल दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन चाय बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरी ही रहेगी ये लो जी मेरी वर्ल्ड फेमस चाय जो कोई ना बना पाए वाओ कलर तो बहुत अच्छा है धन्यवाद धन्यवाद एंजॉय थैंक यू सो मच ओके गाइस तो आज हमें फिर किसी काम से इम्पोर्टेंट काम से बाहर निकलना पड़ रहा है लेकिन हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं क्योंकि कोरोना का काफी बुरा हाल है दिल्ली में हम सर आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम नहीं है आप प्लीज बाहर जाना अवॉइड करिए क्योंकि सीन काफी खराब चल रहा है यहाँ पे अननेसेसरीली बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम में वेली जोड़ी के ही नाम से पेज है आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है या मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे मेरे मेकअप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी आजकल लोग यही खत्म करते हैं अगर आपको ऐसे ही लाइफस्टाइल व्लॉग्स डेली व्लॉग्स देखने पसंद है तो हमें बताइए वी लोअर कौन है तो आज के लिए गुड बाय